पिछोर के प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय शंभुदयाल भट्ट शमन जी की पुण्यतिथि पर टेकरी सरकार गौशाला पर कवि सम्मेलन का आयोजन मातृभूमि साहित्य परिषद द्वारा किया गया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि करेरा से आए हुए कवि सतीश श्रीवास्तव जी रहे और आए हुए अतिथि कवियों में प्रमोद भारती एवं सौरभ तिवारी जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि राजकुमार पाठक एवं आए हुए अतिथियों ने सबसे पहले साहित्यकार जी की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती माता का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कवि सम्मेलन में कावित्री डॉक्टर परवीन महमूद ने सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन की शुरुआत की। साहित्यकार स्वर्गीय शंभुदयाल भट्ट जी के बड़े पुत्र सत्येंद्र राज द्वारा अपने पिता की लिखी हुई गजलों से कार्यक्रम की शुरुआत कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय कवियों ने भी काव्य पाठ किया। कावित्री रुचि पाठक ने पिता के ऊपर कविता सुनाई एवं करेरा से आए हुए कवि सतीश श्रीवास्तव ने एवं प्रमोद भारती सौरभ तिवारी ने साहित्यकार स्वर्गीय शंभुदयाल भट्ट की स्मृति में अपनी कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित कर काव्य पाठ किया। साहित्यकार शंभुदयाल भट्ट के पुत्र सत्येंद्र भट्ट सचिन भट्ट ने अतिथि कवियों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में ये स्वर्गीय शमन के वाल चखा जगदम्बा प्रसाद चौबे द्वारा शमन के जीवन पर अपने विचार प्रकट किए गए। कार्यक्रम के अंत में मातृभूमि साहित्य परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के आयोजक रजनीश तिवारी द्वारा आए हुए अतिथियों एवं कवियों का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट।